पिछले 1.5 साल से स्कूल्स जो है वो पूरे ऑनलाइन चल रहे हैं, ठीक है, पिछले 1.5 साल के आसपास होने आया है। और मेरा जो बेटा है, बड़ा बेटा आदित्य, वो अभी 8th क्लास में, 8th में है। कुछ दिनों से मुझे कंप्लेंट कर रहा था कि ना पापा, है ना, हमको जो है वो दूर का दिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, हमको दूर का दिखने में। तो हम लोगों ने भी कल उसका आई टेस्ट कराया, है ना। आई टेस्ट कराने में जो है उसका नंबर जो है अच्छा खासा नंबर आया उसको। इसी बच्चे का आज के जो है वो 1.5 साल पहले जब लॉकडाउन लगा, नहीं लगा था तब की बात करें, तब भी हमने आई टेस्ट कराया। हर साल बच्चों का आई टेस्ट होता है, इस साल नहीं हो पाया था 1 साल के दौरान, क्योंकि लॉकडाउन था। तो फिर हम लोगों ने अननेसेसरी रिस्क नहीं लिया, क्यों एक्सपोजर दें बच्चे को। तो सब कुछ था, 6x6 सब कुछ, है ना, उसकी आईज का कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अभी उसको नंबर आ गया, और अच्छा खासा नंबर आ गया। डॉक्टर्स जो है यहाँ पे बॉम्बे में काफी अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे मैंने बात किया, पूछा उनसे मैंने, तो उन्होंने बताया कि सब ये जो नंबर आया है, ये नंबर इसलिए डॉक्टर साहब की, क्योंकि क्या है कि बच्चे इस दौरान जो है ना, पिछले 1.5 साल में बच्चों ने जितना डिजिटल स्क्रीन देखा उतना पहले कभी नहीं देखा उन्होंने, ठीक है ना। तो और दूसरा क्या है कि इनके देखने का तरीका भी जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए भी जो है इससे भी स्ट्रेन पड़ता है। मैं आपको क्लियर करूँ, कल मेरी डॉक्टर से लंबा बात हुआ मेरा उनसे। मैंने उनको बताया कि हम लोग भी ऑनलाइन एजुकेशन में हैं, मोबाइल से बच्चे देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, मोबाइल में, लैपटॉप पर देखते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। तो बॉम्बे के बड़े आई स्पेशलिस्ट हैं, जो बॉम्बे के काफी फेमस आई स्पेशलिस्ट हैं, है ना, और आई सॉल्यूशन करके उनका जो है वो वेंचर है। तो उन्होंने बताया कि सबसे सही तरीका यह है कि नंबर 1, यदि आपका डिजिटल स्क्रीन टाइम जो है अधिक है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं इसके अलावा, हम उसको हटा देंगे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, हमके मजबूरी है इस समय वो, तो वो यदि ज्यादा है तो आपको आई ड्रॉप, कुछ आई ड्रॉप आपको दिन में 3 बार डालना चाहिए। आपको 2 से 3 बार आई ड्रॉप डालें आप, तो आई ड्रॉप का नाम बता रहा हूं मैं आपको, आप अपने डॉक्टर को भी कंसल्ट कर लीजिएगा। एक होता है सॉफ्ट ड्रॉप, ठीक है, इस नाम से आता है, या फिर लीजिए आप इसमें रिफ्रेश टीयर्स, ठीक है ना। ये आई ड्रॉप कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज के आई ड्रॉप होते हैं, आप इनको दो दो बूंद जो है वो दोनों आईज में जो है वो 3 बार दिन में आप डालिए इनको, ठीक है। डालने के बाद 15 मिनट तक, 10-15 मिनट अपनी आंखें बंद रखिए, ठीक है, रिलैक्स रहिए इसमें, ठीक है। उससे थोड़ा सा आई का ड्राइनेस जो है वो कम हो जाता है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 ये है, इसके अलावा आपको कि आपको जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, जब आप ऑनलाइन पढ़ने के दौरान आपको 2 लेक्चर्स के बीच में कम से कम आपका 30 मिनट का गैप होना चाहिए, जो बायोमेंटर्स ने अपने लेक्चर में रखा हुआ है। बायोमेंटर्स के 2 लेक्चर के बीच में 30 मिनट का गैप होता है, और वो 30 मिनट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी आई हेल्थ के बेहतरी के लिए। फिर उन्होंने बोला कि जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते आप दूर के ऑब्जेक्ट को भी फोकस कीजिए, फिर मोबाइल पर देख के फिर दूर के ऑब्जेक्ट को भी फोकस कीजिए, सुनिए ध्यान से उसको, ठीक है, और साथ में नोट जरूर बनाइए। ये बात मैं भी हमेशा बोलता हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुनते नहीं, क्योंकि मैं डायबिटीज का डॉक्टर हूँ और आपका टीचर हूँ, तो आप मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है ना। पर वो बड़े डॉक्टर मुझे बोले कि उन्होंने कहा कि बच्चों को बोलिए, अपने स्टूडेंट्स को, कि जब पढ़ते पढ़ते वो अपने नोट्स बनाए, ताकि उनका स्क्रीन से अटैचमेंट थोड़े समय के लिए हटे और अपने नोट्स पर जाए वो, ठीक है ना, पढ़ते पढ़ते वो अपने नोट्स भी बनाए वो, ठीक है, इससे थोड़ा सा जो है वो। और दूसरा इसके अलावा ये कि पॉसिबल हो तो उनसे बोले कि थोड़ा मोबाइल को दूर रखें, वो थोड़ा मोबाइल को दूर रखकर जो है वो पढ़े, एकदम पास ना लेके पढ़े उसको वो, ठीक है। और इसके अलावा जो है बच्चों में हियरिंग पावर भी थोड़ी कम हो रही है, तो इसलिए ईयरफोन भी लगाकर पढ़ना बंद कीजिए। आप नॉर्मल मोबाइल फोन से ब्लूटूथ स्पीकर लगा कर पढ़ सकते हैं, सबसे बढ़िया है वो, ठीक है, क्योंकि ईयरफोन भी जो है वो नेगेटिव है आपकी ईयर हेल्थ के लिए। क्योंकि क्या करें बेटा, देखो टेक्नोलॉजी है तो कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी है। मैं तो खुद ऑनलाइन क्लास देता हूँ, तब भी आपसे बोल रहा हूँ कि बेटा थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। तो उसके लिए ये है कि आप जो एसेंशियल लेक्चर्स पूरे देखने के बाद आप जो है ना अपना क्या करना है आपको, आपको ये करना है। आप कई बच्चे बोलते हैं सर हम तो ऑनलाइन ये करते हैं प्रिंट आउट, भाई प्रिंटर ले लोगे ना तो सब चीजों के लिए ठीक रहेगा, प्रिंटर जो है ना वो मस्त चीज है इस समय। अब आप बोलेंगे सर प्रिंटर महंगा आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, भाई प्रिंटर की अपनी एक कॉस्ट है वो आपको देनी पड़ेगी तक, लेकिन उससे क्या होगा आप कई चीज ऐसी उसका प्रिंट आउट निकाल के आप लगा लेंगे तो आपको अननेसेसरी का मोबाइल में नहीं जाना पड़ेगा। फिर बोलोगे सर प्रिंटेड नोट्स दे दो, तो भैया ऐसा है कि अब हमारा काम चल रहा है प्रिंटेड नोट्स में हलवा थोड़ी ना, इनके उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा लगता है उसमें, ठीक है, बहुत पैसा लगता है उसमें, कम क्वांटिटी बहुत महंगा पड़ता है। तो अभी हम लोग फिलहाल जो है कोई प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है, लेकिन उसमें इतनी प्रूफ रीडिंग, इतनी गलतियां हैं, केमिस्ट्री वाले हिस्से में काम करना पड़ रहा है, फिजिक्स वाले हिस्से में काम करना पड़ रहा है, बायो में भी चीज और इंप्रूव करना पड़ रहा है, तो मैं कुछ कोई डेट नहीं दे पाऊंगा अभी, ठीक है, ठीक। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना यह है कि आपको अपनी अपनी हेल्थ का बेटा ध्यान रखना है आपको, है ना, ठीक है। इसलिए तो मेरे बच्चे तो मेरे को कल बड़ा मन में खराब लगा, मैंने जिस मेरे बेटे का उन्होंने बताया तो मेरे को सारे आप याद आए, मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि मतलब जब वो मैं वहां पर क्लिनिक पे डॉक्टर से बात कर रहा था तो मुझे सारे आप सारे बच्चे एक साथ नजर आए मुझे, ठीक है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ मतलब मैं महसूस नहीं कर पाया कि मैंने अपने बेटे के बारे में तो कम पूछा, आप लोगों के बारे में ज्यादा पूछा डॉक्टर से मैंने, और क्या कर सकते हैं बच्चे, और क्या कर सकते हैं इनके बेटे के बारे में। चलो डॉक्टर ने बताया, लिख दिया प्रिस्क्रिप्शन, ये लेंस लगेगा, ये लगेगा, ये प्रिकॉशन लेने,
तो मतलब आप, मैंने गौर किया, सच बता रहा हूँ, मेरे डीप फीलिंग से गौर किया कि मेरे बेटे में और आप लोगों में ज्यादा फर्क सबकॉन्शियस माइंड में भी नहीं समझता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ आपसे कि जो आधे घंटे का गैप मिलता है उसमें फालतू की वीडियो देखना बंद कीजिए, रिलैक्स रहिए, आंखें बंद रखिए, 10 मिनट आंखें बंद रखिए, मेडिटेशन कीजिए, अपना जो है वो अपने आप को जो है ओवर स्ट्रेस मत कीजिए उस चीज को लेकर, ठीक है ना। और आप रेगुलर रूटीन फॉलो करके दिक्कत नहीं होगा बेटा, ठीक है। अब हम लोग को देखो, हमारे पास तो यही तरीका पढ़ाने का, तो हमारे पास तो कंटेंट यही दे सकते हैं। जिन जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने टीवी में जो अमेजॉन फायर स्टिक है, इस तरह का कुछ कुछ आता है ना, जो अपना क्या, जिससे आप स्क्रीन, मोबाइल को स्क्रीन कर सकते हो आपके, वैसे कर लीजिए स्मार्ट, क्योंकि ऐप काम नहीं करेगा टीवी में, वो मुझे लगता है कि ऐप काम नहीं करेगा। तो आपको सिंपल सी तरीका कि आपको जो है वो स्क्रीन करना पड़ेगा आपके मोबाइल को टीवी पर, ठीक है ना, जो ना मिररिंग करना बोलते हैं, वैसा भी कर सकते हैं इसमें। तरीका ढूंढिए कुछ ना कुछ।